नमस्कार, ममता के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल बाटी चूरमा। राजस्थान की बहुत फेमस डिश है और सब जगह पर बड़े शौक से खाई जाती है, तो मैं भी आज दाल बाटी चूरमा बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। मैंने ली है 5 तरह की दाल। अगर आपको ये मार्केट में आसानी से नहीं मिलती है तो आप इसको घर में भी बना सकते हैं। तो साबुत दाल का आप इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी के साथ लिया है मैंने एक प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, इसको मैं दरदरा पीस लूँगी। 2 टमाटरों को मैंने पीस लिया है। इसी के साथ मसालों में दिया है नमक, लाल मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया, जीरा, कसूरी मेथी, साथ में देसी घी लिया है मैंने और पिसी हुई चीनी ली है मैंने 5 चम्मच। आलू लिए हैं 2 मैंने उबले हुए। हींग का इस्तेमाल करूँगी मैं, साथ में लूँगी रिफाइंड जिससे मैं दाल को तड़का लगाऊँगी। इसी के साथ लिए हैं मैंने कुछ ड्राई फ्रूट जैसे काजू, बादाम और पिस्ता और किशमिश, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और साथ में मैंने लिया है आटा। तो आटा लिया है मैंने एक बड़ा बाउल के करीब। आइडिया से अगर देखा जाए तो 200 ग्राम के करीब आटा है। तो सबसे पहले मैं ये दाल को ले लूँगी। दाल को मैं अच्छी तरह धोकर कुकर में डाल दूँगी। नमक और हल्दी डालकर इसको 3 सीटी लगवा दूँगी। 3 सीटी आने के बाद इसको मैं स्टीम में पड़ा रहने दूँगी। सबसे पहले मैंने ले लिया है आटा। तो आटे के अंदर मैं डालूँगी हल्दी। तो हल्दी मैं सिर्फ 2 पिंच के करीब डालूँगी, इससे ज़्यादा नहीं डालूँगी। और नमक डालूँगी तो नमक 1/2 चम्मच से भी कम डाल रही हूँ मैं। इसी के साथ मैं डाल दूँगी इसके अंदर रिफाइंड। आप चाहे तो इसके अंदर देसी घी भी डाल सकते हैं, मगर मैं रिफाइंड से इसको बनाऊँगी। तो रिफाइंड थोड़ा ज़्यादा डालेंगे ताकि उससे आपकी जो बाटी बनेगी वो खस्ता बनकर तैयार होगी। तो सारे सामान को मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। आटे के अंदर जो मैंने तेल वगैरह डाला था वो सारा मैंने अच्छी तरह से मिला लिया और आटा हमारा जो है वो बंधना शुरू हो गया। तब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसके एक डो तैयार करूँगी। तो ना तो मैं इसको ढीला रखूँगी ना ही मैं इसको टाइट बंधूँगी, तो मीडियम इसको रखूँगी बीच में। तो आटे को गूंद कर मैंने तैयार कर लिया है और अब मैं इसको कम से कम नहीं तो 15 से 20 मिनट रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। तो आलू, प्याज, हरी मिर्च और अदरक इसको मैंने काट लिया है। तो कुछ बाटी मैं स्टफिंग वाली बनाऊंगी और कुछ मैं बनाऊंगी प्लेन। तो इनको मैं मिला के तैयार कर लेती हूँ। तो इसके अंदर पहले मैं नमक डालूंगी। बहुत कम नमक का इस्तेमाल करूंगी मैं इसके अंदर, क्योंकि मैंने आटे के अंदर भी नमक डाला है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी लाल मिर्च, थोड़ी सी डालूंगी कसूरी मेथी और थोड़ा सा डालूंगी इसके अंदर मैं जीरा। तो अब मैं सारे मसाले को मिलाकर इकट्ठा कर दूंगी। तो स्टफिंग का जितना भी मसाला था सारा मैंने मिलाकर एक बाउल में निकाल लिया। तो दाल को भी मैंने उबाल कर तैयार कर लिया है। पानी अलग है, अभी दाल अलग है। जब मैं इसको मसाले में डालूंगी और थोड़ी देर पकाऊंगी तो ये एक जैसी हो जाएगी। कढ़ाई को मैंने गैस पर रख दिया था, तेल डाल दिया था मैंने 3 से 4 चम्मच। तो अब मैं सबसे पहले डालूंगी इसके अंदर हींग। तो हींग को मैंने 2 से 3 पिंच के करीब हींग डाली है। साथ में डाल दूँगी जीरा और इसी के साथ मैं डाल दूँगी प्याज, अदरक और लहसुन, हरी मिर्च जिसको मैंने दरदरा पीस लिया था, ये डाल दूँगी। तो अब मैं इस मसाले को भून लूँगी। तो मसाला आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का भुनना शुरू हो गया है, ज़्यादा नहीं भूनूंगी इसको मैं। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी टमाटरों को। टमाटरों को भूनते हुए मुझे 2 मिनट के करीब हो गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी हल्दी, नमक डालूँगी। तो नमक का आप ध्यान रखेंगे, नमक आपने उबलते ही दाल में भी डाला है तो बहुत कम नमक का इस्तेमाल करेंगे। साथ में मैं डालूँगी लाल मिर्च। तो लाल मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा डालूंगी मैं इसमें, थोड़ा सा तीखा बनाऊंगी इसको। तो ये ना तो देगी लाल मिर्च है ना कश्मीरी लाल मिर्च है, ये नॉर्मल लाल मिर्च है जो काफ़ी तीखी होती है। और इसी के साथ डाल दूंगी 1 चम्मच मैं कुटा हुआ धनिया और इस मसाले को भी आप भून लूँगी अच्छी तरह। आप देख सकते हैं कि मसाले ने जो है तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो मैं इसके अंदर डाल दूंगी कसूरी मेथी। तो आप देख सकते हैं तेल जो है बिल्कुल बीच में आना शुरू हो गया है। तब मैं इसके अंदर दाल को डाल देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो दाल को मैंने मसाले में डाल दिया है। तो अब मैं इसको जब तक पकाऊंगी, जब तक ये जो पानी और दाल अलग अलग है एक जैसा नहीं हो जाता, तब तक मैं इसको पकाऊंगी। आटा जो है हमारा अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब मैं इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेती हूँ। पहले पेड़े मैंने इनके बना लिए थे, तो अब मैं इसको हाथ की मदद से पहले इनको इस तरह इकट्ठा करूँगी और फिर इस तरह से इनको इकट्ठा करती जाऊँगी। दोबारा फिर इसको प्लेन कर दूंगी और इसको अंगूठे बीच में रख के इसको दोबारा से मैं
इकट्ठा कर दूंगी। फिर इसको प्लेन कर दूंगी एक बारी, तो अंगूठे दोनों बीच में रख के इस तरह से, तो मैं इनको चारों तरफ से किनारे उठा के इसको फिर ऐसे कर दूंगी, और इसके बाद फिर इसको सेंटर में अंगूठे से दबा कर इसको ऐसे कर दूंगी। और अब मैं इसको हल्के हाथ से गोल घुमा दूंगी। तो मेरे जो ये क्रैक्स हैं, ये क्रैक्स इसमें रहने चाहिए ताकि जो आटा है अंदर तक पक जाए। तो अब मैं इसको थोड़ा सा अंदर से गोल कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैं इनकी लोइयाँ बना लूँगी। इसी तरह से ये जो है ये मैंने थोड़ा छोटा दिया है, क्योंकि मैं इसके अंदर स्टफिंग करूँगी, तो स्टफिंग करने के बाद ये इसका साइज़ बढ़ जाएगा, तो इसलिए मैं इसको छोटा लूँगी और हाथ की मदद से इसको मैं प्लेन कर लूँगी। तो अब इसके अंदर मैं स्टफिंग रख दूँगी, तो आलूओं की थोड़ी सी मैं स्टफिंग रख दूँगी इसके अंदर। और जिस तरह से हम परौंठे को बंद करते हैं उसी तरह से मैं इसके किनारे मिला के बंद कर दूँगी, मगर इसको मैं प्रेस नहीं करूँगी ऊपर से, तो इसको भी मैं हल्के हाथ से गोल घुमा दूँगी ताकि इसके भी जो क्रैक्स हैं उसके साथ ये अंदर से पक के तैयार हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया था अंगूठे से प्रेस करके इसको बनाना है, तो अंगूठे से प्रेस करके बनाने से इसमें ये जो दरारें हैं ये रह जाती हैं, तो इससे जो है आटा अच्छी तरह से सिक जाएगा। तो मैंने 5 जो बनाई हैं आलू वाली और 6 बनाई हैं मैंने प्लेन। दाल को मुझे आज तक ऐसा पकाते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अभी दाल थोड़ी पतली है तो मैं इसको 5 से 7 मिनट अभी और पकाऊंगी। तो आपा मैंने कढ़ाई जो है मैंने गैस पे रख दिया है, तो इसमें मैं तेल डालकर पहले सभी को मैं ग्रीस कर लूँगी अच्छी तरह से। तो कढ़ाई को मैंने ग्रीस कर लिया है, गैस मेरी आस्था है, तो मैं एक एक करके इसमें छोड़ दूँगी, सबको रखती जाऊँगी एक एक करके। जो ऐसा हिस्सा है दरार वाला उसको मैं नीचे की तरफ करके रखूँगी। तो सब बाटियों को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, अब मैं इसके ऊपर एक एक ड्रॉप तेल डाल दूँगी। तो यहीं से तेल लेके मैं सारी बाटियों के ऊपर लगा दूँगी। तो सब बाटियों को मैंने ऊपर से तेल लगा दिया है और अब मैं इसको ढक दूँगी और कम से कम नहीं तो 5 से 7 मिनट इसको आस्ता गैस पर पकने दूँगी। तो सबसे पहले मैं बाटी को चेक कर लेती है परी, अभी तक मैंने इनको देखा नहीं था, तो ऊपर जो तेल लगाया था वो सारा ख़त्म हो गया, तो मैं पहले इसके ऊपर तेल लगा देती हूँ ताकि जब मैं इसको पलटूँ तो नीचे से भी अच्छे से पकनी शुरू हो जाए। सब बाटी को मैंने अच्छी तरह से तेल लगा दिया है, तो मैं एक एक करके सबको पलट दूँगी। तो ये देखिए नीचे से पकनी शुरू हो गई है, तो इसी तरह से मैं सभी बाटियों को पलट दूँगी। तो सब बाटियों को मैंने तेल लगा दिया है ऊपर से, तो मैं इनको एक एक करके पलट दूंगी। ये देखिए अच्छे से हमारी बाटी सिककर तैयार हो गई है। सब बाटियों को मैंने पलट दिया है, तो मैं इसको ढक दूंगी और 10 मिनट के लिए और पकाऊंगी। बाटी को आप जब भी पकाएंगे आस्ता गैस पे पकाएंगे, क्योंकि आटा है अगर आप तेज गैस पे पकाएंगे तो अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो नॉर्मली इतनी बाटी बनाने के लिए मुझे 25 से 30 मिनट लगेंगे। तो बाटी को दोबारा से चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए पूरी तरह से क्रिस्पी हो गई और जो अंदर से कच्चापन था वो भी हमारा पक गया। तो आप देख सकते हैं सारी बाटी मैंने निकाल ली है, अच्छी तरह से ऊपर नीचे से ये पककर तैयार हो गई है। अब इसमें से मैं 3 प्लेन बाटी लूँगी जिसको मैं पीसूँगी और उसका मैं चूरमा बनाऊँगी। तो एक नॉनस्टिक पैन को दे दिया था मैंने गैस पर, और ये मैंने 3 बाटी ली थी प्लेन वाली जिसको मैंने मिक्सी में बिल्कुल बारीक पीस लिया। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी घी। तो घी हम ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि चूरमा बना रहे हैं और चूरमे के अंदर घी नहीं हो तो खाने का मज़ा नहीं आता। तो मैं इसमें डालूँगी 4 बड़े चम्मच के करीब घी। तो पिसी हुई बाटी जो है मैंने इसके अंदर डाल दिया, तो अब मैं इसको हल्की गैस पर ही रोस्ट करूँगी अच्छी तरह से। एक तो जो हमारी बाटी है पहले से पकी हुई थी, उसके बाद मैंने इसको देसी घी में डाला है, तो इसके अंदर से बड़ी अच्छी सौंधी सी खुशबू आ रही है। तो इसको मैं ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, 5 से 7 मिनट सिर्फ इसको आस्ता गैस पे पकाऊंगी। चूरमे को भूनते हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो गए हैं और आस्ता गैस पे मैं इसको भून रही हूँ। तो ये छोटी इलायची का पाउडर है जो आधा चम्मच से कम है मैं डाल रही हूँ, तो ये मैं आपको दिखाना भूल गई थी। चूरमे का आटा जो है वो हमारा भून चुका है और इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर मैं गैस को बंद कर दूँगी, पैन हमारा गर्म है तो इसको तब भी मैं लगातार चलाती रहूँगी। तो अब मैं इसके अंदर गैस बंद करने के बाद ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। तो काजू बादाम और पिस्ता है, किशमिश है,
जो मैंने बारीक काटे हुए, तो वो इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिला लूँगी हमें। तो चीनी मैंने इसके अंदर डाल दी थी, तो 6 चम्मच के करीब मैंने पिसी हुई चीनी डाली है और उसको मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। तो दाल को मैंने कटोरी में निकाल लिया है और चूरमे को भी निकाल लिया है। साथ में मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं तो मैं चूरमे के ऊपर डाल दूँगी। इसी के साथ अब मैं इसमें बाटी रख लूँगी। आप चाहें तो एक बाउल के अंदर बाटी रख के उसके ऊपर घी डाल दें, या फिर ऐसे भी रख के आप डाल सकते हैं। तो बाटी को मैंने प्लेट में लगा लिया है और अब मैं इसके ऊपर घी को गर्म कर लिया है हल्का, तो मैं इसके ऊपर घी डालूंगी। तो हमारी दाल बाटी चूरमा बनकर तैयार हो गया। देखने में जितना टेस्टी लग रहा है, खाने में ये उतना ही मज़ेदार होगा। मैंने प्लेन बाटी बनाई है, स्टफ बाटी बनाई है। आप चाहे तो आलू की जगह उसमें सत्तू भर के भी बना सकते हैं। खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसको एक बार अपने घर में ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। तो अगर आपको मेरी बनाई दाल बाटी चूरमा पसंद आई है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपको बहुत जल्दी एक नई डिश के साथ। नमस्कार।